नमस्कार, मेरा नाम श्री विद्या कुमार दास है। मैं केंद्रीय विद्यालय बीजी पुणे में कक्षा 7B में पढ़ता हूँ। मेरा जन्म स्थान ओडिशा के बालेश्वर जिला में है। बालेश्वर जिला ओडिशा के उत्तर दिशा में स्थित है। इसे पुराना कलिंग का एक हिस्सा भी कहा जाता है। बालेश्वर जिला 3634 स्क्वायर मीटर के जगह में फैला हुआ है, जहाँ की लोक संख्या 23,17,419 2011 में जनगणना के अनुसार है। व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति, भारत के विख्यात कवि राधानाथ रॉय, स्वाधीनता संग्रामी बाघा जतीन, इन सब का जन्म बालेश्वर जिला में हुआ है। बालेश्वर जिला में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कार्यालय है, जहां पे मिसाइल जैसे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल का परीक्षण हुआ है। बालेश्वर जिला में एक प्रसिद्ध खीरचोड़ा गोपीनाथ मंदिर है। अब मैं आप सबको ओडिशा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओडिशा भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। ओडिशा की राजधानी टेम्पल ऑफ भी भुवनेश्वर है, जिसे टेम्पल ऑफ सिटी भी कहा जाता है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, नंदनकानन जू, धौरी जहाँ पे अशोक महाराज अशोक चंडाशोकर से धर्माशोक से परिवर्तन हुए थे। ओडिशा के पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसी अवसर पर उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा के मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा और रज संक्रांति और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जो कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को रथ में बिठाए पुरी के चक्कर लगाए जाते हैं। पुरी भारत के चार धामों में से एक धाम है। रसगोला, छेना पोड़ो, रसाबड़ी और पोड़ो पिठा ओडिशा के प्रसिद्ध मिठाइयां हैं। समलपुर पुरी पाटो साड़ी ओडिशा की प्रसिद्ध साड़ी है। विश्व प्रसिद्ध ओडिशी नृत्य 2000 वर्ष पुराना नृत्य है। ओडिशा में चिलिका लेक, महानदी और हीराकुंड डैम है। ओडिशा एक दर्शनीय स्थल जगह है, जहाँ पे बहुत विदेशी और बाहर के राज्य से घूमने को लोग आते हैं। धन्यवाद।